नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। नाराजगी, गुस्सा, गहमा गहमी, मन मुटाव के बाद अब समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक हो रहा है। मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच ऑल इज वेल की बात कही है, लेकिन जिस तरह से नेताजी ने शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव को मैनेज करने की कोशिश की, उसे देखकर लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में अपने अधिकार की बात की है, उससे ये लगता है और उसे देखकर ये लगना लाजमी भी है कि ये कहानी का क्लाइमैक्स जो है अभी बाकी है। या साल 2012 की बात हो तो चुनावी सरगर्मियों के शोर में अखिलेश यादव ने साफ और स्वच्छ छवि की छाया में जीतकर सरकार बनाई थी। अब आने वाले चुनाव में सरकार के कामकाज को लेकर अखिलेश यादव का चेहरा ही सामने होगा, इसलिए सुलह के फॉर्मूले में अखिलेश यादव ने रखी है अहम शर्त, परीक्षा मेरी तो अधिकार भी मेरा। रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे घड़ी की सुइयों से समय बदलता रहा, वैसे वैसे मुलायम परिवार में घटनाक्रम बदलता रहा और करीब 100 घंटे से ज्यादा की जद्दोजहद के बाद समाजवादी परिवार और पार्टी वहीं आकर खड़े हो गए जहां से चले थे, यानी शिवपाल यादव को फिर वही दर्जा मिलेगा, गायत्री प्रसाद प्रजापति को भी फिर से प्रसाद के रूप में मंत्रालय मिल जाएगा, इसका ऐलान मुलायम सिंह कर चुके हैं, इसलिए अखिलेश यादव ने उनकी आज्ञा पालन का वचन लिया है। दरअसल इस संकट से सबसे ज्यादा कोई हैरान और हलकान है तो वो है मुखिया मुलायम सिंह यादव। तमाम मान मनोबल के बाद अब शिवपाल यादव ने शिगुफा भी छोड़ा है कि कल का इंतजार कीजिए, मैं केवल नेताजी के नेतृत्व में काम करूंगा। हम आपके साथ खड़े हैं। जी जी, सब कार्यकर्ता शिवपाल जी इधर देखे हैं और अब सब लोग आराम से जाइए, सोइए, हम भी सोएं। कल मिलेंगे, सभी कार्यकर्ता जाएं, कल हम मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। लेकिन आपका लेकिन अखिलेश यादव ने सारी परतों को उधेड़ कर रख दिया है। उनके मुताबिक तो सारे झगड़े की जड़ ये कुर्सी है जिस पर वो बैठे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने विवाद के तमाम बिंदुओं को विराम देने की कवायद के साथ मुलायम के सुलह वाले फॉर्मूले में एक शर्त रखी है। कैप्टन की भूमिका में आते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे का अधिकार मांगा है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि आने वाला चुनाव उनकी परीक्षा है, लिहाजा टिकट का अधिकार उनका अधिकार है। अधिकार की ये लड़ाई क्या अंगड़ाई लेती है, ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल सुलह की तमाम शर्तों के बीच अखिलेश यादव की ये मांग अभी इस महाभारत की समाप्ति का शंखनाद नहीं है, बल्कि यूँ समझिए कि पिक्चर अभी बाकी है। हार कर जो जीते
बाजी उसे बाजीगर कहते हैं। समाजवादी पार्टी में चार दिन तक चले बवंडर के बाद स्थिति क्लियर होती दिखाई दे रही है। ना कोई जीता ना कोई हारा, लेकिन सिंहासन सीएम अखिलेश यादव के सर पर ही सजा। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव किंग भी हैं और किंग मेकर भी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ के न्यूज के लिए शबी हैदर। तो मामले को जो डैमेज हुआ था उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने में पूरा का पूरा यादव परिवार लगा हुआ है। मुलायम सिंह यादव जानते हैं कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं समाजवादी पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर, उसका नुकसान हो सकता है पार्टी को और चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में कंट्रोल करने की कोशिश तो हुई है, लेकिन जो चीज हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, खासकर उस जनता का क्या होगा जिन्होंने चुनकर ये सरकार बनाई, बहुमत दिया और उत्तर प्रदेश की गद्दी में आपको बैठाया। अगर ये घटनाक्रम होता रहा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जनता के साथ छलावा क्यों हो रहा है, आज हम इसी में बात करेंगे और चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे और क्या क्या चीजें हैं। क्या मुलायम सिंह यादव की पकड़ संगठन में कमजोर हो रही है या सरकार में अखिलेश यादव की चल रही है, ये तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले परिचय उनसे आपका करा देते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी समाचार संपादक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिलाल नकवी जी कांग्रेस से, प्रधान संपादक माफ कीजिएगा, और हिलाल नकवी जी कांग्रेस से हैं। आसिम वकार सपा से हमारे साथ जुड़ेंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चर्चा की शुरुआत प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी से करेंगे। अमिताभ जी, ये जानने की कोशिश आज मैं आपसे भी करूंगा और तमाम पैनल से भी करूंगा, आपने उस दौर को भी देखा है जब लोहिया जी से समाजवादियों का नारा निकला और समाजवादी पार्टी निकली और मुलायम सिंह एक बड़े नेता के रूप में इस देश में देखे गए और पहचाने गए, लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी के अंदर हो रहा है और समाजवाद का जो नारा ये लोग दिया करते थे, इसमें कुछ भी समाजवादी नहीं दिखता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि आज की जो बहस है वो 100 घंटों में जो कुछ हुआ उस पर हम लोग जब जब जो कुछ हुआ टिप्पणी करते रहे जी। आज जो उसका अंतिम निर्णय आया है सामने, जो एक लास्ट फ्रेम सामने आया है, एक अंतिम तस्वीर जो सामने आई है, मुझे लगता है उस पर चर्चा हम केंद्रित रखेंगे। आज हमारा बिंदु है कि आपने घर की एकता तो बचा ली कुछ समय के लिए, लेकिन आपने उस चेहरे को डेंट पहुंचा दिया जिस चेहरे के भरोसे आप चुनाव में उतरने जा रहे हैं। कुछ मुख्य बिंदु है जो मैं इस बहस के लिए सेट करना चाहूंगा, जिन पर हमारे मेहमान और विशेषज्ञ अपनी टिप्पणियां देंगे। पहला प्रश्न, अगर गायत्री प्रसाद प्रजापति तब भ्रष्ट थे इसलिए हटाए गए तो आज सदाचारी कैसे हो गए जी? क्या गायत्री प्रसाद प्रजापति की वापसी मुख्यमंत्री की छवि को धक्का नहीं पहुंचाएगी? दूसरा प्रश्न, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि संकट समाप्त हो गया, लेकिन दो बिंदु इसमें बड़े महत्वपूर्ण है। पहला, शिवपाल जी ने कहा फैसला कल आएगा, यानी अभी फैसला आना बाकी है कुछ और। और दूसरा, मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा कि आप मुझसे सब ले लीजिए, चाहे जो विभाग चाहे जो पद, और आप कहें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दे दूं, लेकिन चुनाव में टिकट बांटने का अधिकार मेरे पास रहना चाहिए। उसके बाद उस मुख्यमंत्री के उस बयान पर शिवपाल जी का पलटवार आ गया, उन्होंने कहा अध्यक्ष कोई हो मुख्यमंत्री कोई हो, टिकट तो नेताजी बांटेंगे। तो यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये एक प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ हैं जी, तीसरा प्रश्न ये कि क्या इस पारिवारिक संकट से कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं भी ध्वस्त हुई हैं क्या? मुझे लगता है कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं भी भंग हुई हैं, मुख्यमंत्री सरकार उसकी शपथ, बहुत सारे सवाल हैं वो भी कहीं ना कहीं दर के हैं, छवि भी दर की है मुख्यमंत्री की, संवैधानिक सवाल भी पैदा हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम से, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि लक्ष्मीकांत जी जी, अमिताभ जी का सवाल है क्या मतलब या अभी पिक्चर बाकी है?
निश्चित तौर पर जो कुछ सारांश निकल कर आया है ये भी अंतिम नहीं है, और दोनों तरफ से जो एक एक शर्तें आई हैं उन शर्तों का पालन करना भी संभव नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और मैं इस मत से सहमत हूं कि अध्यक्ष भी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते सामान्य अधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव में निहित रहेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि गायत्री प्रजापति जी की जिस तरीके से बाध्यकारी परिस्थितियों में वापसी हो रही है, कोई कारण तो बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अधिकार है, उन्होंने किसको रखा और किसको नहीं रखा, किसको निकाला किसको वापस किया, लेकिन जिस तरीके से वापसी का है, अगर मैं मुख्यमंत्री होता मैं माननीय अखिलेश यादव जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि चाहे कुछ हो जाए मुख्यमंत्री पद से छोड़ना पड़े तो मंजूर कर लेना, अगर अपनी छवि बचाकर रखनी है, युवा हो अभी बहुत दिन राजनीति में काम करना है तो अपनी छवि बचाकर रखनी हो तो गायत्री प्रजापति को किसी कीमत पर वापस मत लेना। कोई बने मुख्यमंत्री और वापस ले तो कोई चिंता नहीं, अखिलेश यादव ने जिस छवि के साथ काम करना शुरू किया है उसको उसकी वापसी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। बिल्कुल ठीक बात है वाजपेयी जी, आपने एक बढ़िया प्रश्न उठाया है। हमारे पास समाजवादी पार्टी से असीम वकार जी हैं। वकार साहब, मामला तो निपट गया फौरी तौर पर, लेकिन आपके सबसे बड़े चेहरे की कांति छीन ली आपने। अब गायत्री प्रसाद प्रजापति को कंधे पर बैठाल के ये कैसे साइकिल चलेगी? जनाब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे सीनियर हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कई बार के विधायक हैं, तो उनको विधानसभा की गरिमा भी पता है, दलों की गरिमा भी पता है और मुख्यमंत्री के अधिकारों की जानकारी भी है। तो उन्होंने बहुत सदैव अंदाज में बहुत खूबसूरती से अपनी एडवाइस तो दी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे और ईमानदार आदमी की हैसियत से जो बात की उन्होंने आरोप नहीं लगाए। और आपने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो सच्चाई यह है कि आप जैसे ईमानदार आदमी को आपके दल की तरफ से मुख्यमंत्री प्रपोज कर देना चाहिए, लेकिन बदनसीब है आपका दल कि उसने आपको अध्यक्ष भी नहीं बनाया, आपकी जगह अध्यक्ष भी बदल दिया। अरे मेरा सवाल, लेकिन प्रसाद प्रजापति को साइकिल पर बैठा कर साइकिल कैसे चलेगी? सर सुन लीजिए, सर आपकी ही जवाब दे रहा हूं बात का। एक तो मैं आपसे बहुत डरता हूं, बहुत घबराता हूं आपसे, बहुत प्रखर पत्रकार हैं आप। दूसरी बात, जिस तरह से अध्यक्ष जी यानी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने मुख्यमंत्री जी के अधिकार की बात की है, सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री जी जिसको चाहे रखें यह उनका अधिकार है, और नेताजी पार्टी में जिसको चाहे पद दें, जिसको चाहे हटा दें या जिसको चाहे अपने साथ रख लें, प्रमोट कर दें डिमोट कर दें, ये उनका अधिकार है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग लिल्हा के वास्ते मेहरबानी करके ना मुख्यमंत्री जी के अधिकारों का हनन कीजिए, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के अधिकारों का हनन कीजिए। इसमें आपकी भी भलाई है और सभी दलों की भलाई है। अगर एक नई प्रथा शुरू हो जाएगी कि वो दूसरे दलों के अधिकारों का हनन करने लगे या मुख्यमंत्रियों के अधिकारों का हनन करने लगे तो लोगों को आदत हो जाएगी कि कल हम भी शुरू हो जाएंगे, कि कल बहुजन भी शुरू होगी, कि सारे दल शुरू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ बकार साहब, एक मिनट रुकिए मित्र, रुकिए। हिलाल नकवी साहब, हिलाल भाई, जो बात मैंने पूछी थी वाजपेयी जी से, पिक्चर अभी बाकी है क्या? नकवी साहब, यहाँ के पर हम एक जरा सा एक
बयान आपको सुना दें, उसके बाद बताते हैं। देखिए अभी पिक्चर बहुत बाकी है। आजम खान साहब ने कहा था कि सापा एक डूबता हुआ जहाज है और उनकी ये पेशन गोई आज जाकर के समझ में आई कि उनका ये कहने का तात्पर्य क्या था। और ये जो है उस डूबते हुए जहाज का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है वो टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा और तीसरा पार्ट जो है जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब हमको देखने को मिलेगा। ये तीन चरणों में ये पिक्चर चलेगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं एक दूसरे पर, उससे जो है वो ये बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे के ऊपर जो काम विरोधी दल नहीं कर पाए वो समाजवादी पार्टी के अंदर के नेता जी ने और माननीय शिवपाल जी ने ये कार्य कर दिखाया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त शिवपाल जी को अध्यक्ष बनाया गया बिना अधिकारों के। प्रदेश अध्यक्ष वैसे भी समाजवादी पार्टी में सारे पावर जो है वो तो माननीय नेताजी के पास ही है, लेकिन फिर भी टिकट के विभाजन में ही प्रदेश अध्यक्ष के कुछ से होती है, कुछ वो कह सकता है। उनसे ये पावर्स ले लिए जाए गए, इसका मतलब सीधा सा है कि शिवपाल जी को एक तरह से उनसे सौदा हुआ है कि उनको उनके जो वो पोर्टफोलियो है वो तो वापस मिल जाएंगे मंत्री के तौर पर, लेकिन उनसे एक उनके बहुत बड़ा अधिकार ले लिया गया है कि टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में उनका किसी प्रकार का कोई भी अधिकार रह जाएगा। निश्चित रूप से ये फांस जो है ये नासूर बनकर के जिस वक्त इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा एक मरतब फिर निकल के आएगी। और अभी भी अगर आप देखें तो शिवपाल जी के जो बयान है वो साफ दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा हताहत है। उनके हताहत होने का कारण भी है, देखिए शिवपाल जी से जब उनके पोर्टफोलियो लिए गए हैं वो कब लिए गए हैं, जब तीन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं और उन तीनों को मंत्रिमंडल से हटाया गया है और उसी वक्त शिवपाल जी से उनके पोर्टफोलियो ले लिए गए हैं। इतने वरिष्ठ नेता की इतनी ज्यादा जो बेइज्जती हुई है वो निश्चित रूप से इतनी जल्दी ठीक है। हिलाल भाई फिर आएंगे, छोटे समय के लिए रुकना पड़ रहा है, अमिताभ जी माफी चाहता हूँ, रोक रहा हूँ आप लोगों। फिलहाल के लिए तो विराम लग गया उन तमाम बातों पर जो समाजवादी पार्टी या सरकार में घट रही थी, लेकिन सीएम अखिलेश यादव एक नए रोल में अपने आप को देख रहे हैं और आना चाहते हैं। लेकिन सभी लोग ये मान रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी नहीं है। आजम खान का वो बयान भी याद आता है जब डूबता जहाज उन्होंने कहा था, अब उसी को विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना रही हैं। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, प्रधान संपादक हमारे जुड़े हुए अमिताभ अग्निहोत्री जी, हिलाल नकवी जी कांग्रेस से हैं, यासीम वकार सपा से, लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी ब्रेक से पहले कुछ सवाल करना चाह रहे थे, आपके पास आ रहे हैं सर। जी वाजपेयी जी, दो आरोप लगते थे। पहला आरोप लगता था कि सरकार के कई, सत्ता के कई केंद्र हैं, विपक्ष कहता था, संख्या बताता था, और दूसरा लगता था कि आंतरिक संघर्ष है। ये पिछले 100 घंटे के वाकयात ने विपक्ष के इन दोनों आरोपों को और पुष्टि नहीं दे दी क्या? खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाहरी हस्तक्षेप में मंजूर नहीं करूंगा, और आंतरिक हस्तक्षेप की स्थिति यह कि मुलायम सिंह जी ने आज गायत्री प्रसाद प्रजापति की मंत्रिमंडल में वापसी खुद ही अनाउंस कर दी। लक्ष्मीकांत जी आप तक आवाज पहुंच रही है, सवाल पहुंचा है? नहीं आवाज नहीं, आवाज नहीं आई, अब आई आवाज, अब आवाज पहुंच रही है। कई धड़े हैं, कई धड़ों में समाजवादी पार्टियां या कहें और राजनीतिक पार्टियां बटी हुई हैं। अमिताभ जी का एक सवाल आपसे है कि वो जानना चाहते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो समाजवादी पार्टी के अंदर दिखाई दिया, लगता है कि बटी हुई पार्टी है? काफी लंबे समय से अंदर खाने आग सुलग रही थी जी, यदा कदा कुछ समाचार बाहर भी आते थे और चाचा और भतीजे का संघर्ष भी सुनाई पड़ता था, लेकिन इस वक्त जिस प्रकार से ये विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी फटकर बाहर आया है, ये समय बड़ा गलत है। पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी के कुनबे ने यह समय का चयन किया है।
एक तरफ तो चुनाव में जाना चाहते हैं और सरकार बनाने के संकल्प के साथ जाना चाहते हैं, और एक तरफ उस जनता ने जिसने 2012 में इतने प्रचंड बहुमत के साथ इनको सरकार दी थी उसके साथ विश्वासघात करके जाना चाहते हैं, तो जनता विश्वासघाती को कभी बर्दाश्त नहीं करती, अंततः गत्तो अब जनता इनको सजा देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार में गड़बड़ है, परिवार में गड़बड़ नहीं है। अरे सरकार में गड़बड़ है तो और भी खतरनाक बात है, सरकार में अगर गड़बड़ है, जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार में यदि गड़बड़ है तो हमारी वो बात साबित हो रही कि सरकार की हना का धमक और इकबाल नहीं है, और उसके काला अपराधी के हौसले बढ़े हुए हैं, अपराधी मस्त है, अधिकारी और प्रशासन पस्त है, और सरकार तो झगड़े में मस्त है। ठीक बात है वाजपेयी जी। बकार साहब आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की जो छवि थी वो इस पूरे 100 घंटे के वाकयात से थोड़ी प्रभावित हुई है? देखिए अमिताभ जी, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का वक्त दे दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी आपकी होगी, मेरे ऊपर कृपा होगी। जब 2011 में चुनाव शुरू हो रहे थे तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने माननीय अखिलेश जी को बुलाकर क्रांति रथ उनके हवाले करके और उनको आवाम के बीच भेजा और कहा कि आप मायावती जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए, आवाज बनिए और आवाम के लिए अपनी आवाज उठाकर आप मायावती जी के भ्रष्टाचार को उजागर कीजिए, उसकी लड़ाई लड़िए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया जनता के बीच में, गलियों में, गांवों में, खंजों में, हाईवे पर हम लोग भी उसमें चल रहे थे, बराबर से उनके शरीक थे, कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। आवाम ने उन पर भरोसा जताया, अपनी इन बातों में कोई विवाद नहीं किसी का, इन बातों में कोई विवाद ही नहीं कर रहा आपसे, लेकिन आज का सवाल है क्या मुख्यमंत्री की छवि को डेंट लगा है, ये सवाल है। सर बात तो सुन लीजिए मेरी, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं वो अलग बात कहने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की आवाम ने अपनी मोहब्बतों, अपनी दुआओं, अपने वोटों से उनको नवाजा और उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको बैठा दिया। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है हमें नहीं पता, बहुजन क्या कहती है हमें नहीं पता, 22 करोड़ आवाम ने उन पर भरोसा किया है और वो 22 करोड़ आवाम के उस भरोसे पर खड़े उतरे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो भी पूरे किए, जो हमने वादे नहीं किए थे, जो लोगों ने सोचा भी नहीं था, हमने वो भी किया। हमने कानपुर मेट्रो दी, हमने लखनऊ मेट्रो दी, वाराणसी मेट्रो दी, हिंदुस्तान के दुनिया में सबसे तेज बनने वाली मेट्रो अगर कहीं है तो वो लखनऊ में है। अब 2017 के चुनाव में हम माननीय मुख्यमंत्री मेट्रो दी, आधा पैसा भारत सरकार का है, विदेशी कर्जे की गारंटी भी भारत सरकार ने दी है, समाजवादी पार्टी ने दी है, 108 एम्बुलेंस 100% पैसा भारत सरकार का, 102 में और 108 में 50% पैसा भारत सरकार का समाजवादी ने दिया है। उस सवाल को भी समझिए, उस सवाल पर जवाब देने की कोशिश कीजिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आप मुस्कुरा रहे हैं, शायद आप कुछ कहना चाहते हैं, सवाल देने से यहां पर आसिम वकार साहब बच रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर आसिम वकार साहब को इसका जवाब देना है एक लाइन का कि सारे प्रकरण में कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को ठेस पहुंची है नहीं पहुंची है, ये उसका जवाब नहीं दे रहे, ये जवाब दे रहे कि मेट्रो बनाई है और जवाब दे के फंस रहे हैं। जितनी भी मेट्रो बन रही है इसमें आधा पैसा भारत सरकार का है और इन पर लगने वाला विदेशी पैसे की बैंक गारंटी भारत सरकार ने दी है। लक्ष्मी साहब मुझे ये समझाइए, क्या उम्मीद की साइकिल बिना गायत्री को बैठाए हुए पूरी नहीं हो रही थी आपका? जी लक्ष्मी साहब, उम्मीद की साइकिल बिना गायत्री को बैठाए हुए साइकिल पर चल नहीं सकती क्या? आ,
देखिए ये बात लगातार कही जा रही है कि किसको मुख्यमंत्री अपना मंत्री बनाते हैं, किसको मुख्यमंत्री मंत्री पद के नहीं देते हैं, ये पूरा का पूरा मुख्यमंत्री जी का जो है वो अपना प्रेरोगेटिव है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अभी तक की भी जो ये साइकिल चल रही थी उस पे जो है वो गायत्री प्रसाद प्रजापति और पता नहीं कितने यादव सिंह और अग्रवाल और कौन सब लोग जो है उस साइकिल के पास सवार थे और उस साइकिल को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे या उसको बता रहे थे कि अब आगे बढ़ रहे। पता नहीं कितने ऐसे और गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को अन्य विभागों में भी उन्होंने नियुक्ति करनी चाहिए जिसको कि हाईकोर्ट ने जो है वो टर्न डाउन कर दिया और उनके सबके खिलाफ जो है वो केसेस थे, भ्रष्टाचार के केसेस थे, दुनिया भर के मामला थे। तो देखिए समाजवादी पार्टी की साइकिल पर आप ये उम्मीद ना कीजिए कि उसके ऊपर गायत्री प्रसाद प्रजापति जी जैसे या यादव सिंह जैसे या अभी हम लोगों ने जो लोक आयुक्त का प्रकरण देखा, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रकरण देखा, हायर एजुकेशन का प्रकरण देखा, इस तरह के लोगों के बगैर कभी भी समाजवादी पार्टी की साइकिल जो है वो आगे बढ़ी ही नहीं। ये कोई पहला बात नहीं है, इससे पहले भी जब समाजवादी पार्टी की साइकिल चलती थी तो इसी प्रकार के लोग। नकवी जी आ रहे हैं आपके पास, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हिलाल भाई साइकिल पे सवार रहे, वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वाजपेयी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात का जरूर विचार करें कि जब गायत्री प्रजापति के खिलाफ हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की बात कही तो सरकार ये कहने तो जा सकती थी कि भाई सीबीआई के अधीन हमें भरोसा कम है इसलिए इसकी जांच की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करे, समझ में आती है बात। लेकिन सरकार स्वयं न्याय मंत्री है मुख्यमंत्री जी, उनकी सहमति से हाई कोर्ट में जाकर ये कहती है कि सीबीआई जांच क्यों करा रहे हैं आप हमसे। तो मेरा ये निवेदन है जिस गायत्री प्रजापति के विरुद्ध हाईकोर्ट भी सीबीआई जांच की मांग करता, जिस गायत्री प्रजापति के लिए 2-2.5 साल पहले तत्कालीन लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने संतुष्टि दी, पंचम तल में आज भी लंबित है कि एफआईआर दर्ज करके इनको पद से हटाइए, एफआईआर दर्ज करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करिए। और क्यों तो हटाया और क्यों दोबारा रख रहे हैं, इससे क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को बट्टा नहीं लगेगा? और एक कहावत है उसको अन्यथा ना लीजिएगा कि खसम किया तो बुरा किया और करके छोड़ा तो और बुरा किया। गायत्री प्रजापति को हटाया तो बहुत ठीक किया था, लेकिन रख रहे हैं तो बहुत बुरा कर रहे हैं और इससे माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को ठेस नहीं पहुंचेगी, ऐसे मानने को मैं तैयार नहीं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अमिताभ जी, लेकिन आप तो दोनों हाथ फैला के बैठ गए, एक और व्यक्ति आ रहा है आपके कुंभे में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो बात इसी पर रहेगी, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को धूमिल किया जा रहा है इस तमाम घटनाक्रम से, मुख्यमंत्री के चेहरे पर थोड़ा सा कहें कि धुंध छाई हुई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के। आज के मुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है समाजवादी पार्टी के अंदर, पारिवारिक कलह कर लीजिए या फिर समाजवादी सरकार के अंदर की कलह कीजिए, लेकिन इससे नुकसान प्रदेश की जनता का हुआ है। और साथ ही साथ एक युवा मुख्यमंत्री, जो युवा मुख्यमंत्री एक अलग तरह की छवि पेश कर रहा था लोगों के बीच में, शायद उसका चेहरा भी धूमिल हुआ। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिलाल नकवी जी कांग्रेस से हैं, आसिम वकार जी सपा से हैं, रुमाना सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी से, स्वागत है मैम आपका। अमिताभ अग्निहोत्री जी प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे। अमिताभ जी ब्रेक से पहले आप चर्चा हम लोग कर रहे थे चेहरे को लेकर, आपने सवाल किया था नकवी साहब से कैसे साइकिल पर सवार होकर प्रजापति चल रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि अब साइकिल, राहुल गांधी को हम सुनते हैं कि कहते हैं कि फंसी हुई है, पंचर हो गई है, लेकिन उस साइकिल पर सवार होकर तमाम लोगों को अभी भी चलाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है, एक बार फिर से वापसी हो रही है गायत्री प्रसाद प्रजापति की। अमिताभ जी कहां गए? तो जिस तरह के सवालात हैं सभा में, मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से काम कर रहे थे, अखिलेश यादव ने सरकार जब 2012 में बनाई थी उसके बाद से लेकर अब तक बीच में थोड़ा ढीले जरूर दिखे थे। रुमाना सिद्दीकी जी अभी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से हम सवालात कर रहे हैं। रुमाना जी, जिस तरीके से आपने देखा समाजवादी पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर जो चीजें हुई हैं,
क्या आप मानती हैं प्रदेश की जनता का नुकसान तो हुआ ही हुआ है क्योंकि आपको जिताकर विधानसभा उन्होंने भेजा, एक नई तरह की जिम्मेदारी दी, लेकिन युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो विकास के पथ पर बढ़ रहे थे उनकी छवि को भी नुकसान पहुंचा है इस दौरान? ये देखिए कि जो मुख्यमंत्री हैं वो किस बात के मुख्यमंत्री ठहरे। अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेता है यानी वो सर्वमान्य है, पर अगर प्रदेश उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जो है अपनी मुख्यमंत्री की बात को काट दे, वो कोई निर्णय लेते हैं तो वो बात काट रहे हैं, ये कौन सी बात होती? इसका मतलब कि जो मुख्यमंत्री हैं उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। पार्टी आज की तारीख में माननीय मुलायम सिंह जी चला रहे हैं, उसके सिवा कुछ नहीं है। अखिलेश जी जो हैं उनको तो खुद ही अपने आप अपने हाथ से इस्तीफा देके जो है पार्टी जो बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि जब उनका अपना स्टैंड नहीं है, उनकी बात अपनी वो नहीं रख सकते, अपने निर्णय पे वो अटल नहीं रह सकते हैं, तो ऐसी सरकार चलने से फायदा ही क्या है? जब उनके फादर को निर्णय लेना है तो फिर फायदा ही क्या है कि मुख्यमंत्री उन्होंने अपने बेटे को बनाया, वो खुद बन के बैठ गए होते। तो इसलिए जो है ये बात तो बिल्कुल गलत है कि जनता उनको जिता के लाई है, उनके हाथ में उन्होंने प्रदेश दिया है और प्रदेश देने के बाद इतना बुरा हाल हो गया है कि जो है वो आपस के झगड़े में जनता को भूल गए हैं कि जनता का क्या होगा। आखिरी वर्ष है, काम करने के बजाय परिवार का झगड़ा सड़क पे आ रहा है, ये जनता के लिए सही नहीं है। जनता के लिए सही नहीं है। आसिम वकार साहब, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं और यही सवाल आपसे है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का हनन हो रहा है, व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, अमिताभ जी भी ये मान रहे थे, उन्होंने भी ये सवाल किया था, क्या आप मानते हैं मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री का चेहरा धूमिल तमाम प्रकरण से, तमाम घटनाक्रम से? देखिए, फिर मैंने आपसे एक बात कही कि अभी रुमाना जी ने जो बातें कही हैं, आप 100 लोगों से पूछिएगा तो हर आदमी कहेगा ये नॉन पॉलिटिकल बातें इन्होंने कही हैं, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि एक पॉलिटिकल जबान ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे माननीय नेता जी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी चलाएंगे तो निर्णय नाराज ना होइए, नाराज ना होइए, नाराज ना होइए, बोलने दीजिए दूसरे को। क्या बात है सिर्फ खाली एक सपा नहीं, ये सही बात है आसिम वकार साहब, ये सही बात है। पार्टी को चलाने के लिए मुलायम सिंह है, लेकिन सरकार को चलाने के लिए भी क्या मुलायम सिंह है? जो फैसले आज लिए गए हैं, गायत्री प्रसाद की वापसी होगी मुलायम सिंह यादव ने कहा है, कैबिनेट से बाहर किया था अपने विशेषाधिकार के तहत अखिलेश यादव ने, क्या सरकार भी बाहर से चलेगी क्या? देखिए, 2012 में जब हम चुनाव जीत कर आए तो माननीय नेताजी ने ही ऐलान किया था कि हमारे पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो अखिलेश यादव जी बनेंगे जी। अब आप ये बता दीजिए, पार्टी हमारी, सरकार हमारी, विधायक हमारे, क्या नरेंद्र मोदी जी से ऐलान कराएंगे हम कि कौन हमारी क्या पार्टी का अध्यक्ष होगा और कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा और किसको हम मंत्री बनाएंगे? सारे निर्णय वही लेंगे। अब आप ये बता दीजिए, इसको नॉन पॉलिटिकल अल्फाज और नॉन पॉलिटिकल भाषा ना। असीम वकार, एक मिनट रुकिए, असीम वकार, ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ये अनाउंस नहीं कर सकता कि इसको मंत्री पद से हटा दिया, इसको मंत्री बना दिया। ये अधिकार संवैधानिक तौर पर अध्यक्षों को नहीं है, ये ध्यान लीजिए, ये तर्क ही गलत है ना, ये तर्क मंजूर नहीं। आसिम वकार साहब क्या कहेंगे? अभी भी इसी बात पर आप अडिग रहेंगे, जिस तरीके से इस देश की कुछ संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत इस देश की जनता कुछ लोगों को चुनकर विधानसभा या संसद भेजती है, और इसके बावजूद अगर ये चीजें नहीं होती हैं, अगर सरकारें बाहर से ही चलनी होती हैं, मंत्री बाहर से ही बनाने होते हैं, तो जरूरत क्या है हमारे वोट की साहब? जरूरत तो यह है कि आप इस वक्त, मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप समझा नहीं पा रहे हैं वसीम साहब, जैसे मैं भी सवाल आप खड़े कर सकता हूं। आसिम साहब आप समझा नहीं पा रहे हैं। मैं ऐसा करता नहीं हूं, मेरी आदत में नहीं है ये। अब आप समझ
अमिताभ जी, यही सवाल आपका था। इसी सवाल को मैंने भी आगे बढ़ाया कि वाकई में मुलायम सिंह यादव ने जो चीजें कही और इधर अखिलेश यादव ने जो चीजें करी उसका सीधा सीधा कनेक्शन है। और यहाँ पर वकार साहब ये मान रहे हैं कि सरकार बाहर से भी चलाई जा सकती है, फैसले बाहर से होते हैं। और कुछ कह दिए दो चार बातें, आपका स्टेटस मालूम हो जाए मुझे। नकवी साहब, किस स्टैंडर्ड के? नकवी साहब, चार छह बातें और कह दीजिए। समाजवादी जो मैंने, नकवी साहब जी, समाजवादी पार्टी में एक बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिल रही। हर आदमी कह रहा है भैया ऑल इज वेल। एक गाना आया था आमिर खान का, सिनेमा था भैया ऑल इज वेल। सपा में हर आदमी गीत गुनगुना रहा है, लेकिन एटा में खबर आ रही है सपाइयों ने नारा लगाया राम गोपाल के खिलाफ, लखनऊ में पता लगा शिवपाल के खिलाफ, इटावा में अमर सिंह के खिलाफ। ये तो आपस में ही एक दूसरे का मुर्दाबाद कर रहे हैं कार्यकर्ता। अब क्या होगा? जी अमिताभ जी, हेलो जी जी, अपनी बात रखें। आवाज चली गई। देखिए, जो बात अमिताभ भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, कि इस वक्त समाजवादी पार्टी में आंतरिक द्वंद मचा हुआ है और बहुत स्पष्ट रूप से कई एक फाड़ में वो दिखाई दे रही है। और हर आदमी जो है वो दूसरे आदमी को आरोपित और प्रत्यारोपित करता है और उसके नीचे एक लाइन लगा देता है कि माननीय नेता जी जो कहेंगे वो मान्य होगा जी, और उसके बाद फिर जो समझ में आता है वो भी कह देते हैं और फिर नीचे एक लाइन जोड़ देते हैं कि नेता जी का जो आदेश है वो सर आंखों पर है। लेकिन वास्तविकता ये है कि निश्चित रूप से यहां पर पूरी तरह से वर्चस्व की लड़ाई जो है वो छिड़ चुकी है, दिख रही है। माननीय नेता जी इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर हम एक बात अपने दोस्त आतिम बकार साहब को बता देना चाहते हैं। देखिए, पार्टी आपकी है, सरकार जनता की होती है। सर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं भी जवाब दे दूंगा आपको। आज आपके चैनल पर एक ऐलान करके जा रहा हूं कि 2017 18 19 का बजट तो माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में पेश करेंगे और 2020 का बजट माननीय मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनकर देश का पेश करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है मेरी बात बहुत बुरी लग गई हो, तो हमारे हसीन सपने हमारी पार्टी के हमारी पार्टी के इस वक्त के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हम सबके मुख्यमंत्री, हमारे सबके दिलों के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी अखिलेश जी हैं, जिसकी हिम्मत रोकने की वो पूरी कोशिशें कर ले और रोक के दिखा दे। हम सब पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी मोहब्बत से उनको आगे लेके जाएंगे। और अगर मेरी बात बुरी लग रही हो, मेरी बात बुरी लग रही हो तो बाहर निकलते ही एक दुकान से ट्यूब ले लो, घर ले आकर रख ले। वकार साहब पहले कहिए अपने मुख्यमंत्री साहब को कि वो अपना निर्णय ले सके और फादर पे ना निर्णय ले। भैया वकार साहब अभी 20 तक नहीं जाओ, 2020 तक नहीं जाओ। शिवपाल जी ने कहा फैसला कल होगा, अभी कल तक का इंतजार तो करो। नहीं सर, कहीं कुछ नहीं। फिर मैंने आपसे कह दिया समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी के आदेशों का पालन करती है। माननीय नेताजी पार्टी के मुखिया हैं, परिवार के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं। जनाब अखिलेश यादव जी पार्टी के मुखिया हैं, माननीय नेताजी हमारी पार्टी में वही होगा जो माननीय नेताजी चाहेंगे, सरकार में वही होगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे। अगला मुख्यमंत्री भी माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं और अगले प्रधानमंत्री भी माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वही असीम बकार साहब। असीम बकार एक आखिरी सवाल नेताजी के नाम का संपुट, जैसे रामायण में संपुट होता है ना, रामायण पाठ कराओ अखंड रामायण तो संपुट रखना पड़ता है, नेताजी के नाम का संपुट लेके कि नेताजी की बात सिर माथे राम गोपाल मुर्दाबाद, नेताजी की बात सिर माथे अखिलेश यादव मुर्दाबाद, नेताजी की बात सिर माथे अमर सिंह मुर्दाबाद। ये क्या लोकतंत्र है भाई, ये तो बताओ। सर अब आपके पास ज्यादा खबरें हैं, मेरे पास कम खबरें रहती हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि माननीय नेताजी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हीं की बात सब मानते हैं। अब किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, अब हर आदमी के जबान पर ताला हम नहीं लगा सकते हैं। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इस नौबत तक लाके खड़ा कर दिया, उन्होंने मौका दिया है कि अपनी बात उन्हीं का नाम लेके एटा इटावा मथुरा लखनऊ सब जगह ये हो रहा है। वफादार कार्यकर्ता हूँ, मेरी सारी आस्थाएं माननीय नेताजी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जवाब नहीं देंगे आसिम वकार साहब, समय हमारे पास कम है। हिलाल नकवी जी, जिस तरीके से समाजवाद का नारा समाजवादी पार्टी देती है और लोकतांत्रिक पार्टी का नारा भी देते हैं, लेकिन जो आज अखिलेश के खिलाफ और कहीं पर शिवपाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, इससे तो नुकसान हो ही रहा है पार्टी का। देखिए, पहली बात यह है कि इसको समाजवादी पार्टी कहना सही नहीं है, इसको सपा कहिए। समाजवाद जो है वो समाप्त हो चुका है। समाजवाद के नाम लेने वाले जो है वो कुछ चंद लोग जो सिपाही में रहते हैं उनको आप जरूर कह दीजिए, बाकी इस पार्टी में जितने भी लोग हैं उनको समाजवादी मत कहिए, ये सपा है, सपा ही अच्छी लगती है, ये एक बात। दूसरी बात एक बहुत साफ सी है कि निश्चित रूप से जो इस वक्त घटनाक्रम हुआ है, जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है, इससे समाजवादी पार्टी जिसको आप कह रहे हैं और जिसको हम सपा कहते हैं, रोमाना सिद्दीकी जी जो है वो आपकी अंतिम टिप्पणी, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। रोमाना सिद्दीकी जी क्या कुछ कहेंगे छोटे शब्दों में संक्षेप में? पूरी तरह दावदार कर दिया है कि अब उसको साफ करना मुश्किल होगा। इनका जहाज अब डूब चुका है, सन 17 में जो है इनको आगे सोचना पड़ेगा कि क्या करें, तो अब जो है 17 इनसे दूर हो चुका है। गायत्री जी कब ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा? कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हैं? जरूरी आसिम वकार साहब, बिल्कुल जितने घास थे सब भाजपा। आसिम वकार साहब, छोटे शब्दों में चुनाव नजदीक है, जो घटनाक्रम हुआ है उससे मुख्यमंत्री की छवि खराब और समाजवादी पार्टी की छवि खराब हुई है, संक्षेप में। देखिए, 2012 में भी लोग यही कह रहे थे और 2017 में और 16 में भी यही कह रहे हैं। पूरे 4 साल से मुख्यमंत्री की छवि पर सवाल खड़ा कर रहे हैं विरोधी, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं। जी, गुजारिश तो हो गई, आप जनता से कीजिएगा, चुनाव नजदीक है। अमिताभ सर आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, संपादकीय टिप्पणी आपकी चाहते हैं। देखिए, मैं बकार भाई से कहूं, ये विरोधियों का मसला नहीं है। आज शिवपाल यादव ने क्या कहा, अखिलेश यादव को अभी अनुभव की जरूरत है, मुझसे सीखे, ये भाषा है मुख्यमंत्री के लिए। और आप कह रहे हो विपक्षी कहते हैं, आपके घर के लोग कह रहे हैं असीम बकार जी, आप उनको विपक्षियों के पाले में गेंद क्यों फेंक रहे हैं भाई? ना, गलत आरोप नहीं लगाइए, सच को स्वीकार करिए। मैं अपनी टिप्पणी में इतनी ही बात कहूंगा कि 100 घंटे का जो भी युद्ध चला, महाभारत चला, परिवार में कलह चली, उसका एक वन लाइनर अगर मैं कहूं, एक पंक्ति में उसका उसकी बात कहने की कोशिश करूं, तो मैं निसंकोच ये कहूंगा कि नेताजी, आपने परिवार में कुछ समय के लिए शांति खरीद ली होगी, लेकिन आपने उसके कीमत बहुत महंगी चुका दी। 17 में आप जिस चेहरे को सामने रखकर जाना चाहते थे, उस चेहरे को ही दांव पर लगा दिया। ये सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी पार्टी में जो जनता का चेहरा होता है, भाजपा में नरेंद्र मोदी, सपा में अखिलेश यादव, बसपा में मायावती जी, तृणमूल में ममता बनर्जी, जो भी जनता का चेहरा है, चुनाव का चेहरा है, उसकी छवि बचाकर रखनी चाहिए। सभी आपने छोटे मोटे संतुलन साधने के लिए एक बड़ी छवि दांव पर लगा दी, बड़ी मूर्ति दरका दी आपने इन छोटे छोटे झगड़ों में। क्या कह रहे हैं शिवपाल, क्या कह रहे हैं अमर सिंह, क्या कह रहे हैं गायत्री, कौन है राजकिशोर, इन झमेलों में आपने एक अपनी उस मूर्ति को दरका दिया, जिसके भरोसे आप बैतरणी पार करना चाहते हैं। बैतरणी पार होगी नहीं होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन पार तो करना चाहते हो उसी गाय की पूछ पकड़कर। मैं वही बात दोहराता हूं मित्र, जो जनता का चेहरा हो, पार्टियों की जिम्मेदारी है कि उस चेहरे को एहतियात से रखो। फिलहाल भाई, अंग्रेजी में वो कहते ना कुरियर के लिए, हैंडल विद केयर। जो जनता का चेहरा हो उसको हैंडल विद केयर रखिए, हैंडल विद केयर।
मैं निसंकोच रूप से कह सकता हूं समाजवादी पार्टी इस फ्रंट पर बुरी तरह असफल हुई है। मुख्यमंत्री के चेहरे को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया गया जी। जिन गायत्री प्रसाद प्रजापति को हटाया आज उनको वापस लेना पड़ रहा है, दीपक सिंघल को हटाया उनको पोस्टिंग देनी पड़ रही है। ऐसे फैसले उस मूर्ति की छवि को खराब करते हैं जिसको आप जनता में अपना नायक बताना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हिलाल नकवी साहब आपका भी, आसिफ वकार साहब आपका भी, रुमाना सिद्दीकी जी आपका भी, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने चीजें यहां पर साझा करने के लिए। लेकिन जो निष्कर्ष निकल कर आया वो ये है कि 100 घंटे से ज्यादा की मशक्कत और हल्ले के बाद सीएम अखिलेश यादव की जो छवि प्रोजेक्ट की जा रही थी जनता के बीच में, जो 2017 में समाजवादी पार्टी लेकर जाना चाहती थी, उस छवि पर और उस चेहरे पर कहीं ना कहीं इस हो हल्ले ने एक दाग जरूर लगा दिया है। और शायद चुनाव नजदीक है, खामियाजा भी हो सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।